हेलो स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैथ्स क्लास ट्वेल्थ डिफरेंशिएशन फिफ्थ चैप्टर है, एक्सरसाइज 5.2। इसका एग्जांपल 5, एक्स टू द पावर वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, ये आपको गिवन है और प्रूव करना है डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर x की पावर y है तो दोनों तरफ log अप्लाई कर लेंगे, ऑन टेकिंग log बॉथ साइड, log x टू द पावर y, log e टू द पावर x माइनस वाई, करेक्ट। अब कुछ log की प्रॉपर्टीज है उनको हमें याद रखना पड़ेगा। log m टू द पावर n यानी कि पावर इसमें आगे आ जाती है, और एक हमारे पास ध्यान रखें log e टू द बेस e हमारे पास 1 होता है। तो अगर मैं ये वाले प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करूं तो पावर आगे आएगी, मतलब यहाँ वाई इसमें आगे आ जाएगा, ये हमारे पास लॉग एक्स, और अगर बेस यहाँ मेंशन नहीं है मतलब समझ के चलेंगे कि बेस इसमें ई है, ये पावर आगे आ जाएगी मीन्स एक्स माइनस वाई, और ये लॉग ई टू द बेस ई। बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, ब्रैकेट मेंशन जरूर करना, क्योंकि एक्स माइनस वाई पूरा आगे आया है और ये लॉग ई टू द बेस ई है। लॉग ई टू द बेस ई की वैल्यू कितनी हो रही है, 1, तो इसको हटा दें, 1 हो जाएगा, इंटू 1 करने से सेम ही रहता है इस वजह से, और ये हमारे पास में वाई और ये लॉग एक्स। अब प्रूफ को ऑब्जर्व करो, डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस लॉग एक्स को टारगेट करके चलेंगे। इसमें आएगा कहाँ से, वाई को लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर लें, प्लस वाई और ये लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब बच्चों इन दोनों में से y कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस log x एंड दिस इक्वल्स टू x। घबराना नहीं है इसके अंदर, बस स्टेप टू स्टेप चलते रहो। 1 प्लस log x को क्रॉस मल्टीप्लाई से अपॉन में ले जाते हैं, तो y इज इक्वल्स टू x अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस log x, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, U अपॉन V का फॉर्मूला याद करो, याद है U अपॉन V का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ U अपॉन V, याद है भूल गए, पहले ये बताओ, लिखूं, अभी लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ U अपॉन V क्या होता है भाई, V का स्क्वायर, यहाँ V रहेगा, U का डिफरेंशियल डैश लगा दो, माइनस U एज इट इज और V का डिफरेंशियल, ये u अपॉन v का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ x अपॉन ये 1 प्लस log x। बच्चों ऑब्जर्व करो, x जो u का काम करेगा और 1 प्लस log x किसका, v का काम करेगा, तो u अपॉन v मेरे से पहले आप लोग लगा के देखो, देखें क्या मिल रहा है, यहाँ पर dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू यू अपॉन वी, ये u हो गया ये v हो गया, क्या होता है v का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। फॉर्मूले में चेक करो, पहले कौन आएगा, v, v किसको लिया हुआ है, 1 प्लस log x को, तो 1 प्लस log x एज इट इज एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ u दैट इज x माइनस, ध्यान रखो इसमें माइनस है बीच में, तो x यहां रख दें एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस log x, करेक्ट। अब ध्यान से बेटा, यहां पर ये 1 प्लस log x का होल स्क्वायर तो एज इट इज, 1 प्लस log x ये एज इट इज रहेगा इसमें, और x का डिफरेंशियल कितना होता है, 1 माइनस x, यहां पर ध्यान से देखो 1 का 0 हो जाएगा और log x का 1 अपॉन x, बेस ये तो log x का कितना होता है, 1 अपॉन x होता है। सिंप्लीफाई करें, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस log x ही रहेगा, माइनस x को 1 अपॉन x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, ये 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या आ गया बच्चों, log x अपॉन 1 प्लस
log x का होल स्क्वायर, ये इसका प्रूफ था ना, टू प्रूफ, तो ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, स्टेप टू स्टेप चलते रहें तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी।